कुछ होमवर्क तो आई थिंक मैंने दिया नहीं था? नहीं सर। यस ओके, तो हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े थे फ्रॉम द चैप्टर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो बहुत सिंपल से थ्योरम थे कि पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, और ऐसे अगर दो ट्रायंगल होंगे तो भी सेम बात वैलिड है कि ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम हो गए तो उसमें आपका रेशियो हो जाएगा कि पैरेललोग्राम का एरिया विल बी डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसकी प्रैक्टिस हमें करनी थी। चैप्टर नंबर पता है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। ओके, तो एज ये चैप्टर हमारे सिलेबस से हट गया तो हम बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट एक बार आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, एंड देन वी विल क्लोज द चैप्टर। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is 44 centimeter, if area of parallelogram PQRS is 144 centimeter, PQ is equal to 16, if PQ is equal to 16, सर एरिया क्या था? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ PQ इज इक्वल टू 16 देन फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम PQXY, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम PQXY। सर सर मैंने सरफेस एरिया वाली वर्कशीट कर ली, तो भेजे क्यों नहीं? सर भेज देनी है सर, मतलब मुझे डाउट था। डाउट तो डिस्कस भी हो गया, तो वीडियोस देख के डाउट क्लियर करो अपने। सर वो डाउट नहीं, मुझे कब भेजनी है वो डाउट था। इतने दिनों से क्लासेस में बता रहा हूँ कब भेजनी है, तुम क्या क्लास में सोचते रहते हो? नहीं सर, मतलब सर भेज दूंगी आज। चलो विदुषी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी करो भाई, तो दो एक मिनट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है प्रथम, ये जो बार बार कहने पे कैमरा ऑन नहीं रखते उनकी कुछ कैटेगरी बना देनी चाहिए। कोई अच्छा नाम तुम लोगों के दिमाग में है? नहीं श्रुति, कुछ गलती है। कोई स्पेशल नाम दिया जाए इन लोगों को? सर सागर सर ने दे रखा है लापता बच्चे। लापता बच्चे, और थोड़ा थोड़ा सवाल सिर्फ एक के लिए था। हाँ वो सातवें के लिए था। थोड़ा इंसल्टिंग नेम तो मैंने आपको आंसर भेजा। अच्छा अच्छा, थोड़ा क्रिएटिव बनो, थोड़ा सोचो अच्छा नाम। ठीक है सिमरन, ठीक है। चलो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS पता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? एरिया ऑफ PQXY भी उसी के बराबर होगा। कैन टेल द एरिया ऑफ PQXY बिकॉज़ दीस टू पैरेललोग्राम्स are having same base PQ and lying between same parallel lines. So PQXY का area आ गया।
अब एरिया ऑफ पी क्यू एक्स वाई जो हमारा आ गया है 144, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो इस पैरेललोग्राम का बेस है पी क्यू, हाइट को एच मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 144। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू 16 जो कि बेस है, तो उससे हाइट मिल जाएगी। तो हाइट विल बी 144 अपॉन 16, ठीक है। मैं थोड़ा लेट आंसर दे दिया लेकिन सही कर रहा था, वो मैं फिगर बनाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, सही था तुम्हारा आंसर। बाकी आज के लाइट ज्यादा है या लाइट कम है तुम्हारे घर में? कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं सर, वो तो मैं आज दूसरे रूम में बैठा हूँ, मैं खोल लेता हूँ। मुझे लगा सारा कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लिया होगा। यहाँ रीजन नहीं कोई आज? चलो सबको आ गया ना ये? Yes, sir. Yes. Next लिखो, A B C D is a square. A B C D is a square. A B C D is a square, and A E is equal to B F. A E is equal to BF, area of triangle EGF, area of triangle EGF is equal to 18 centimeter square. Area of triangle EGF is 18 centimeter square. Find the perimeter of ABCD. Find the perimeter of A, B, C, D. Yeah. लगा पा रहा है कोई दिमाग? विदुषी का आंसर आया है एंड आई थिंक दैट्स करेक्ट आंसर। जल्दी करो बाकी लोग भी। सर आप एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हो फिर से? ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ए ई इज इक्वल टू बी एफ। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी एफ इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। सर ए बी सी इक्वल टू बी एफ है।
क्या पूर्व आवाज पूरी नहीं आई सर? ए बी इज इक्वल टू ई एफ बोला था आपने। ए ए इज इक्वल टू बी एफ, मैं लिख भी देता हूँ, ए ई इज इक्वल टू बी एफ। ओके सर। इतना टाइम थोड़ी लगता है, तो कह रहे विदुषी ने किया यार, क्या बात है, बताओ विदुषी। क्या एक तो जो तो मतलब ए बी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा अगर हम देखेंगे ए ई बी एफ के इक्वल है तो ए बी ई एफ के इक्वल हो जाएगा। और सर इनकी दोनों की हाइट सेम होगी पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। सो जो एरिया होगा ई एफ जी का वो ए बी सी डी का हाफ होगा, और वो हमें 18 दे रखा है, तो ए बी सी डी का एरिया 36 होगा और एक साइड 36 रूट हो जाएगी। तो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया है विदुषी ने। देखो भाई इस चैप्टर में क्वेश्चन में ध्यान रखो कि हमारे सिलेबस में क्या है उसको ढूंढने की कोशिश करो। तो वी नीड टू फाइंड कि कहां पर सेम बेस हो सकते हैं, कहां पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो सकता है। तो सेम पैरेलल लाइंस सबको दिख रही होंगी भाई, ए बी सी डी स्क्वायर, तो ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट सेम बेस, सेम बेस की जगह इक्वल बेस भी हो सकता है, मैंने बताया था। नौसी अगर ध्यान दोगे कि ए ई और बी एफ इक्वल है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर मैं दोनों में ये बी ई कॉमन ऐड कर दूंगा प्लस बी ई प्लस बी ई, डज इट गिव मी ए बी इज इक्वल टू ई एफ? ठीक है, और यहीं से देखो इक्वल बेस आ गए भाई, ई एफ इज द बेस ऑफ ट्राइंगल और ए बी इज द बेस ऑफ स्क्वायर जो हमें चाहिए। तो बेसिकली एक पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम हो गया और एक ट्रायंगल हो गया जिनके बेस इक्वल है एंड दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दैट मींस पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा। दैट मींस ए बी सी डी का एरिया विल बी डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 36 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर का एरिया 36 है तो उसकी साइड हो गई 6, साइड आ गई तो पेरीमीटर आ जाएगा। ये नहीं कह सकते हम, थोड़ी लाइंस पैरेलल है और उस तरफ हमें ध्यान देने जरूरत ही नहीं, उस तरफ ध्यान देने की। वी आर लुकिंग फॉर ए बी सी डी, वो एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हुआ ना, और ट्रायंगल ई एफ जी जिसका गिवन एरिया। नाउ दीज टू हैव इक्वल बेसिस एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इसीलिए वो एरिया का रिलेशन है। एक पैरेललोग्राम हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, तो पैरेललोग्राम का एरिया डबल हो गया ट्रायंगल से। ठीक है, डी ई और सी एफ है या नहीं उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, देखना पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं। तुम्हारा एग्जाम हो गया मैथ का? मैथ का होना है अभी सैटरडे, सैटरडे को। क्या क्या आ रहा है? चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो कम है सिलेबस? 5 तो आई थिंक वो है ना, लाइंस एंड, अच्छा फिर 6 होगा लाइंस एंड एंगल्स से। हां यूक्लिड नहीं आ रहा। हां डन, नेक्स्ट देखो। पी क्यू आर एस मतलब अलग अलग है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस are the midpoints P, Q, R and S are the midpoints. Sir, आप एक बार फिर से repeat कर सकते हो? P, Q, R, S are the midpoints of the sides of the parallelogram. Are the midpoints of the sides of the parallelogram A, B, C, D, P, Q, R, S
अलग अलग पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी. इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. If the area of parallelogram ABCD is 20 centimeter square, find the area of PQRS. Find the area of PQRS. RS midpoint. हाँ ये midpoints हैं. नहीं area PQRS midpoints का या कोई figure का. दो अलग अलग क्वाड्रिलेटर हो गया ना यार. एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर हो गया और पी क्यू आर एस दूसरा हो गया. एबीसीडी का एरिया दिया हुआ है. दिस इज एबीसीडी जो मैं बना रहा हूँ कि वो खुद एक पैरेललोग्राम गिवन है. वैसे हमने क्वाड्रिलेटर चैप्टर में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े तब भी ऐसे क्वेश्चन किए थे. क्या तुम लोगों को ये याद है कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है वो कैसा बनता है? सर उसका हाफ हो जाता है उसका एरिया और पेरिमीटर. मिड पॉइंट थ्योरम है. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जॉइन करने से जो नया क्वाड्रिलेटरल बनता है वो किस तरह का होता है? रोम्बस. याद करने को मैंने कहा था लेकिन माने नहीं तुम लोग. किसी को नहीं याद है रोम्बस होता है वो. पैरेललोग्राम दैट इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम. रोम्बस भी हो सकता है स्पेशल केस में बट इन जनरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है. उसका यहाँ रिलेशन नहीं होगा. मैं सिर्फ याद रिवाइज करा रहा हूँ. टेस्ट में है तुम्हारा और याद भी होना चाहिए. फिर याद करो हमने रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया था तो क्या बना था? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बना था ठीक है. और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बना था? स्क्वायर. पैरेललोग्राम. हाँ सर पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम तो वैसे भी होता है. कौन सा स्पेशल बना था? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनता है? सर गाइड. रोम्बस बनता है. रेक्टेंगल. अब बचा ही क्या था? रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो रोम्बस बनता है. रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल बनता है. चलो वो सब रिवीजन का पार्ट था. अभी इधर ध्यान दो कि एबीसीडी जो ब्लैक वाला है उसका एरिया दे रखा है और जो ब्लू वाला है उसका एरिया पूछा गया है. आंसर तो सही है. नाउ आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो किस मेथड से किया है बट लेट अदर्स ट्राई. विदुषी इतना फास्ट कैसे कर रहे भाई? सर ऐसा सही क्वेश्चन माम ने करवाया था तो याद था थोड़ा बहुत. ओके बाकी लोगों को भी करवाया होगा. एटलीस्ट रायन वालों को तो फिर आ जाना चाहिए. सब बैठे हैं मुंह खोले हुए. दूसरे क्या ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम लगी है? यस सर. वैसे बिना मिड पॉइंट थ्योरम के भी हो जाएगा. मैं एक हिंट दे देता हूं उसके बाद जो लोग कर सकें तो कर लें. बाकी लोगों को यूएन में कदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा. चलो सर मुझे यही लग रहा था कुछ ऐसे लाइन तो खींच नहीं है. अब मैं बताने का तो यही लग रहा होगा. अब उसके आगे क्या लग रहा है? सच्ची में मुझे लग रहा था कि कोई लाइन तो खींचनी है. कोई लाइन खींचना तो बहुत वेग हो गया. कोई लाइन तो कहीं भी हो सकती थी. चलो चलो आगे करो. अच्छा विदुषी तुमने आई थिंक ऐसा नहीं किया होगा. ऐसे किया? मैंने ऐसे नहीं किया था. कोई बात नहीं ये थोड़ा छोटा हो जाएगा. सर मैं ओ चलो एक चीज तो समझ गया मैं. आ रहा तुम एक भी क्वेश्चन कर रहे हो कि बस क्वेश्चन से घूरते रहते हो? लग नहीं रहा कि तुम एक भी क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो. तुम्हें लग रहा है ऐसे घूरता रहो तो शायद अपने आप सॉल्व हो जाए. हाँ मानना बिल्कुल ठीक है तुम्हारा आंसर भी. सर मैं चैट में एक चीज लिख दूं. आंसर तो नहीं होगा लेकिन एक जो हिंट समझाऊं आपकी लाइन से. हाँ हाँ लिख दो.
श्रेया का आंसर भी ठीक है, विदुषी और श्रेया दोनों ने यूनिट नहीं लिखी है। श्रेया ग्लास में ब्लू ब्लू दिखता रहता है पता नहीं क्यों, बट आई थिंक दैट इज गुड फॉर एंटी ग्लेयर समथिंग जो भी होता है कंप्यूटर स्क्रीन से, सो जो लोग भी लगाते हैं स्पेक्स दे कैन थिंक अबाउट इट। और सामने वाले को ब्लू दिखता है बाकी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ ब्लू दिख रहा होगा, तुम्हें नॉर्मली दिखेगा। हाँ ठीक बोल रहे हो ध्रुव सर, बस उससे और नहीं मिला पा रहा हूँ। चलो मान लिया, तुम बताओ इस बार सर, आपने जब ये लाइन ड्रॉ की तो वी कैन से कि क्वाड्रिलैटरल एसक्यूसीडी का एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू 20 क्योंकि एसएनक्यू मिड पॉइंट है एंड उन्हें जॉइन करके ये हाफ हो गया पैरेललोग्राम का। ये कौन सा लॉज मतलब कौन सी थ्योरम है ये? Although तुम सही कह रहे हो बट तुम्हारा रीजन वैलिड नहीं था, मतलब ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि मिड पॉइंट को जॉइन कर दे तो हाफ हो गया। विदुषी तुम मेथड बोलो अपना। सर पता नहीं अब मुझे अपना ही गलत लग रहा है, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, अब समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बताओ, तो गलती होगी तो मैं बता दूंगा। दोनों का एरिया जो होगा, दोनों ट्राइंगल जो फॉर्म होंगे उन दोनों का एरिया हमारा सर नहीं गलत है, वो 10-10 हो जाएगा दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, नहीं बोली है दैट शुड बी कि एसक्यूसीडी एक पैरेललोग्राम बन गया। क्यों बन गया एसक्यूसीडी एक पैरेललोग्राम? देखो यहाँ पर एस डी और सी क्यू आर दे इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हाफ हाफ हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। Are they parallel? They were already parallel. तो हमें एक थ्योरम याद है इस क्वाड्रिलेटरल में जो लास्ट थ्योरम थी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं तो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। याद है कि बस मैं बोल रहा हूँ तो ऑप्शन ही क्या बचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, कई क्वेश्चन में यूज भी हुई थी कि अगर वन पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है देन इट इज अ पैरेललोग्राम। दिस टेल्स अस कि एसक्यूसीडी एक पैरेललोग्राम है, सिमिलरली नीचे भी पैरेललोग्राम बन गया एसक्यूबीए। ठीक है, नाउ इसका एरिया पूरे का हाफ है या नहीं है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे अब तो जो ट्रायंगल एसआरक्यू है, एसआरक्यू और parallelogram FRCQ, are they having same base? Upar wala parallelogram, yes, upar wala triangle, they are having same base and they are lying between same parallel lines. So, jo triangle ka area hai, kya wo half of parallelogram ho jayega? Keh sakte hain? Half AD is equal to half BC ho jayega. Half AD is equal to half BC. किस किस बात की बात कर रहे हो तुम? पुरानी बात कर रहे हो अभी कुछ बात कर रहे हो? सर इस वाले क्वेश्चन में हाफ एडी और हाफ सीक्यू हाफ सीबी इक्वल होगा, उससे हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया इसको एसक्यूसीडी को। ओके सर, कि वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल हो गई ना। ठीक है, यहाँ से एरिया ऑफ एसआरक्यू हाफ आ गया पैरेललोग्राम एसक्यूसीडी का, ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एसपीक्यू ये हाफ आ जाएगा नीचे वाले पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ एस क्यू बी ए। बस दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ट्रायंगल ऐड हो जाएंगे तो क्या वो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बन जाएगा? ठीक है, हाफ कॉमन होगा
दोनों छोटे पैरेललोग्राम का एरिया ऐड होगा तो क्या पूरे पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा वो? ठीक है, आई थिंक सबका इंट्यूशन सही था, बहुत लोगों ने आंसर 10 दिया है व्हिच इज करेक्ट। अच्छा मैं तो श्रेया से पूछना ही भूल गया, एनीवे तुमने किस मेथड से किया था श्रेया? सेम मेथड, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो दैट विल गिव यू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ PQRS, समझ गया? तो यहां हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं करनी पड़ी, उसके बिना भी ये क्वेश्चन हो गया। नोट कर लिया सबने? यस सर। नो सर। अच्छा अच्छा बता देना जब हो जाए। सर हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक्स एंड वाई, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक्स एंड वाई are any points on side CD and BC, X and Y are any points on side CD and BC, prove that area of AXB, area of AXB is equal to area of AYD, area of AXB is equal to area of AYD. ढूंढना क्या है इसमें? ढूंढना नहीं है, प्रूफ करना है भाई। प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाई डी। सक्षम आज तुम कुछ बोलने रहो क्या? हो कहाँ हो, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? सक्षम क्लास में हो? अच्छा ओके। रोहित तुम्हारी हेल्थ कैसी है? ओके सक्षम ठीक है। रोहित आर यू वेल? फाइन ओके। तो फिर क्लास में लेट क्यों आए? मैं तो इसलिए डांटा कि तुम बीमार हो, तुम ठीक हो पर तो डांट पड़नी चाहिए। I was eating, देखो इसका रीजन क्या है। Since I was eating, so I was late. काम तुम्हारा पेंडिंग हो गया हो काफी रोहित, और पिछला भी पेंडिंग ही था, तो पूरे साल ऐसे पूरा साल ऐसे निकाल दोगे? सर हो गया। हो गया, किसका हुआ है? मान्या का हुआ है क्या? और किसी का? सिमरन? सर मेरा भी। सिमरन का नहीं हुआ। श्रुति? सर कर रही हूँ। ये श्रुति से ज्यादा वानिका नहीं आएगा क्लास में?
वो आज वापस आ रही है नोएडा, ट्रैवल कर रही है। अच्छा ओके चलो मानना के अलावा कोई और है जिसको आ गया हो? सब मुझे समझ में आ गया। इसमें क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ गया या समझ में आ गया? मैम मतलब हो गया। हो गया चलो विदुषी बता दो। सर एबीसी जैसे ए एक्स बी जो है ट्रायंगल, उसका जो एरिया होगा वो एबीसीडी का हाफ होगा। और सर ये जो एडी डी वाई ए है इसका एरिया भी एबीसीडी का हाफ होगा सर, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो एरिया सेम ही रहेगा। और ये हाफ क्यों होगा सर? क्योंकि इनका सेम बेस है। जैसे ये जो एबीसीडी को अगर हम देखें तो डी इन ट्रायंगल डी वाई ए, तो सर इसका डी ए बेस है और सर इसकी जो हाइट है सर वो अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो आ जाएगी। तो और जो डी ए के ठीक है, सही है सही। अच्छा तुमने आई थिंक जब तुमने पिछले बार ये बताया तब भी तुमने ये हाइट यूज किया, तो यू डोंट नीड टू यूज द वर्ड हाइट। जब हमारे पास थ्योरम है तो तुम हाइट यूज क्यों कर रही हो? सीधे बोलो कि जो ट्रायंगल ए एक्स बी है और ए बी सी डी है पैरेललोग्राम, दे आर हैविंग सेम बेस ए बी, हमारा पैरेललोग्राम और ट्रायंगल ए एक्स बी दे आर हैविंग सेम बेस ए बी एंड दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो जो एरिया ऑफ ए एक्स बी होगा दैट विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। सिमिलरली जो हमारा ट्राइंगल ए डी वाई है एंड हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, दे आर हैविंग सेम बेस, सेम बेस इस बार दूसरा है, दोनों का बेस इस बार ए डी मान सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो ए डी वाई का एरिया भी हाफ ऑफ ए बी सी डी होगा। अब दोनों के आर एच एस इक्वल है तो ऑफकोर्स दोनों के एल एच एस भी इक्वल होंगे, भाई दोनों ही पैरेललोग्राम के हाफ है तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ गए? हाँ इजी ये वाला। अदिति मुझे एक चीज समझ नहीं आई। इजी नहीं था, इजी नहीं था, चलो हारो। सर सेकंड लाइन में ए डी वाई इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे? कि जो ए डी वाई ट्रायंगल है और जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है दे आर हैविंग सेम बेस ए डी, दोनों का सेम बेस है एंड दे आर लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ए डी और बी सी के बीच में ही तो है पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल भी। तो भाई थ्योरम, एक ही थ्योरम पढ़ी है हमने, तो घुमा फिरा के वही लगती है ना, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। ठीक है सर, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दो थ्योरम था। डन? यस। अच्छा करो करो। जो मीडियन होती है, मीडियन सबको याद है क्या होता है? क्या होता है? लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। वेरी गुड। आई थिंक श्रेया को बस याद रहती है और सब लोग भूल जाते हैं, पिछले वर्ष ही भूल गए थे। श्रेया को आई थिंक लास्ट ईयर भी याद थी, उसको मैंने सेवन से बताई थी तब से उसको याद है बिल्कुल। चलो तो यहाँ पर ए बी सी ट्रायंगल है और ए डी मीडियन है। मीडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो लाइन वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि मीडियन खींचते हैं उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, कहते हैं कि इक्वल हो गया, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। ठीक है, ये पहले से पढ़ रखा था क्या तुम लोग? अच्छा नहीं, स्कूल में पढ़ रखा है। हमेशा ध्यान रखो जो मीडियन होगी वो ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड नहीं करती है। इट मे नॉट बी परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं वो परपेंडिकुलर हो। द ओनली थिंग विच इज श्योर कि जो मीडियन होगी वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी। उसका रीजन क्या होगा?
देखो इन दोनों जब ये मिड पॉइंट पे मिलती है तो क्या इन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम हो गए? ठीक है, एंड अगर थ्योरम की बात करूं तो मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दूं तो दोनों ही ट्रायंगल दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, इक्वल बेस, सेम पैरेलल लाइन, सो देयर एरियाज विल बी इक्वल. या फिर यू कैन ऑब्जर्व कि दोनों की हाइट सेम होगी. ये दूसरे के वर्ड्स में ए बी डी की हाइट भी यही होगी और ए डी सी की भी हाइट भी होगी, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट जो ऑल्टीट्यूड होता है वो बाहर होता है, तो दोनों के बेस इक्वल, दोनों की हाइट सेम, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड है बुक में. देखो क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी. ई इज द मिड पॉइंट, सर एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज. इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, E is the midpoint of median AD. E is the midpoint of median AD. Prove that area of BED is equal to area of BED is equal to 1 by 4 area of ABC. तुम लोगों के स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दो. इन ए ट्रायंगल एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी. शो दैट या प्रूव दैट, और वो सामने लिखा हुआ है, क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ बीएडी इज 1/4 एरिया ऑफ एबीसी. स्कूल से तुम लोगों को नोटिफिकेशन आया क्या स्कूल खुलने का? मैम कह रही थी बहुत जल्दी खुलेंगे, लेकिन उन्होंने तो नो किया है. सबका नो ही होगा, सो ठीक है. अक्टूबर में तो नहीं खुल रहा है, देखते हैं अगले महीने. चलो, काफी मेमोरेबल ईयर रहेगा तुम लोगों का, जब बड़े हो जाओगे तब याद करोगे. चलो हो गया ये? यस सर. यस सर. तो काफी इजी है. आरओ बताएगा ये? आइकॉन करके बोलो आरओ. बोलो भी कुछ सर, माइक ऑन करके बैठ जाओगे क्या? सर ट्रायंगल बना दो पहले. अरे ठीक से बोलो भाई, मुझे कुछ नहीं आया अभी तक आवाज. सर ट्रायंगल बना दो, समझ नहीं आएगा. किसी को सुनाई दे रहा है क्या? सर वो कह रहा है पहले ट्रायंगल बना दो. अच्छा अच्छा ओके. ए बी सी डी, ए डी हो गई मीडियन और ई हो गया उसका मिड पॉइंट. हमें ट्राइंगल बी ई डी की बात करनी है, जो कि ये वाला ट्राइंगल हो गया बी ई डी, नीचे वाला ट्राइंगल. चलो बताओ आरो. सर अगर हम बी ई को एक्सटेंड कर दें ए डी सी में तो सर एक्सटेंड कर दो. बी ई को एक्सटेंड कर दें, ठीक है भाई. तो सर हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा. सर उस पॉइंट को नाम दे दो एफ. सो सर
ABF is equal to half half triangle ABC. क्यों? सर क्योंकि सर जो अभी पढ़ाया उस पे ध्यान दो ना, अभी एग्जैक्टली मैंने क्या जो बताया एग्जैक्टली वही यूज हो रहा है. और कौन बता रहा है? सर मैं बताऊं? इनके अलावा जिसने एक बार भी नहीं बताया कोई ऐसा है जो बताना चाह रहा है? ध्रुव, हाँ ध्रुव तुम बताओ. राघव सर, सर ये था कि जो वो मीडियन होता है वो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. ठीक है, तो फिर सर वो जब इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा एक एरिया बीईडी हो जाएगा, एक बीईए और एक सर एईएफ, सर एक पॉइंट एफ करके स्ट्रेच कर दीजिए. सर नहीं चाहिए और कोई है? सिमरन कह रही है क्या? हाँ सिमरन बताओ. अभी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस ट्रायंगल के जो एरिया इक्वल होंगे तो एबीडी का एरिया और एसीडी का एरिया इक्वल हो गया. वैसे ही अगर हम ट्रायंगल एबीडी को कंसिडर करेंगे तो बीई एक मीडियन है, तो फिर वहां पर भी एबीई और बीईडी का एरिया सेम हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. देखो पहले तो एडी पे ध्यान दो भाई, AD पूरे ट्रायंगल को हाफ हाफ में कर देगी और BE फिर से मीडियन हो गई, E मिड पॉइंट है ना, तो ये फिर से हाफ कर देगी, हाफ का हाफ 1/4 हो जाएगा. तो बेसिकली पहले एरिया ऑफ ABD की बात करें क्योंकि AD मीडियन है, एरिया ऑफ ABD होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC. अब सिर्फ ट्रायंगल ABD पे ध्यान दो तो BE एक मीडियन है जो कि इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगी, तो एरिया ऑफ BED हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABD और ABD खुद ही हाफ ऑफ ABC है, तो ओवरऑल हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC. एज सिंपल एज दैट. ठीक है चलो, मैं NCERT में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये NCERT से ही था. अब मैं होमवर्क में नहीं दूंगा कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इस पे लोड लेने की जरूरत नहीं है. चलो क्वेश्चन लिखो, तब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, इज अ पेंटागन with AB parallel to CD, with AB parallel to CD. नहीं, मैंने दूसरे क्वेश्चन मिक्स कर दिया. ABCD is a pentagon, यहीं तक था. AB parallel to CD हटा देना, अरे ज्यादा थोड़ी एक वर्ड ही तो हटाना पड़ा. A line through B, a line through B parallel to AC, a line through B parallel to AC meets DC produced at F, show that, मैं लिख दे रहा हूं, area of AEDF is equal to area of ABCDE. ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, मतलब अगर ये सिलेबस में होता तो यही सबसे ज्यादा पूछा जाता था स्कूलों में. तो मैं फिगर में नेमिंग कर दे रहा हूँ, दिस इज ए बी एफ सी डी ई. चलो हमें मालूम है कि बी से जो लाइन है वो ए सी के पैरेलल है, तो आई गेस बी एफ और ए सी पैरेलल है, यही है ना. और बस इतना ही पता है मैं.
हो गया नाइस। और कोई कर पाया क्या? सर आधा हुआ है। सर हो गया। हो गया सर, हो गया। तुम लोगों को एनसीईआरटी स्कूल में कराई गई थी क्या? यस यस। अदिति तुम बताओ तुमने क्या किया है? सर सर पहले ट्रायंगल एसीबी और ट्रायंगल एसीएफ सेम बेस पे लाए करते हैं। एसी और पैरेलल एसी और बीएफ पैरेलल है, तो एरिया ऑफ एसीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीएफ। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ठीक है आगे। सर एरिया ऑफ एसीबी प्लस एरिया ऑफ एईडीसी तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीएफ प्लस एरिया ऑफ एईडीसी। ओके, तुमने ये पहले से कर रखा है क्या? नहीं सर, हमारे स्कूल में तो शुरू भी नहीं हुआ। वेरी नाइस, अगर पहले से नहीं किया है तो बहुत अच्छा किया है। देखो यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, मैंने पहला पार्ट जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि पहला पार्ट पर हिंट हो जाता है दूसरे पार्ट के लिए, विच आई डिड नॉट वांट टू गिव यू। देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर में ध्यान रखो कि वी हैव टू फाइंड, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ढूंढो उल्टा, कि हमें पता है कि सेम बेस ढूंढना है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ढूंढना है, तो वेयर आर एक ही सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दो कि भाई एसी और बीसी बीएफ के बीच में ही हो रहा होगा जो हो रहा होगा। सो वी कैन से कि यार दो ही ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, कोई पैरेललोग्राम तो हम कह नहीं सकते हैं, कोई पता नहीं पैरेललोग्राम है या नहीं है। सो वी कैन से कि जो ट्राइंगल ए बी सी है एंड ट्राइंगल ए सी एफ है, आर दे हैविंग सेम बेस ए सी? ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी एफ, दे आर हैविंग सेम बेस ए सी एंड दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो उनका एरिया हो जाएगा इक्वल। अब यहां से कैचिंग पॉइंट था कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एरिया ऐड कर देते हैं, अब ये आप पहले से कर रखा होता तो सबको याद रहता है कि जो कॉमन एरिया दोनों साइड ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ ए ई डी सी दोनों तरफ ऐड कर दो, एरिया ऑफ ए ई डी सी, तो अगर हम दोनों तरफ एरिया ऐड कर दो, देखो ए सी बी में जब ये एरिया ऐड होगा तो क्या वो पेंटागन का एरिया बन जाएगा? डायग्राम से ऑब्जर्व करो, ए सी बी का एरिया और रेड एरिया क्या वो मिलके ए बी सी डी ई का एरिया बन गया? ए बी उल्टा लिखा हुआ है बट इधर से देख लेते हैं, ए बी सी डी ई का एरिया बन गया पेंटागन का, समझ गए? यस सर। और दूसरे वाले ट्रायंगल एसीएफ में जब मैं ये एरिया ऐड करूंगा तो ये दोनों मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, हाँ ये मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जो ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया है जिसके इक्वल प्रूफ करना है, दैट विल बिकम एरिया ऑफ ए E, D, F, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, दो ट्रायंगल इक्वल आ गए, देन वी विल ऐड द कॉमन एरिया। ठीक है, आई हैव रिमूव्ड 5-6 पीपल फ्रॉम द क्लास, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा टाइम एक्टिव से, सो कीप दैट इन माइंड। राष्ट्रीय पूर्वा क्योंकि मेरा लैपटॉप बार बार हैंग हो रहा था तो मैंने फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ। वी आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म। चलो ठीक है, चलो और क्वेश्चन कर लें। लेट्स सी करी थी क्या सर, मेरी भी वीडियो ऑन थी जस्ट ऑफ करी थी, बैटरी बहुत लो थी इस वजह से। जस्ट तो नहीं करी है सर, मतलब 5 मिनट पहले कर ली थी। जस्ट नहीं बोलता है। एनीवे चलो लिखो, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर हाँ टेस्ट का मैंने बता दिया था ना लास्ट क्लास में। यस सर। नहीं वो क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है या नहीं। हाँ सर पता है मेरे साथ इसने क्या किया, उसने मुझे मैसेज किया, दीदी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास पिछले साल के आईएलसी के टेस्ट पेपर है। हाँ, तो सर एक्चुअली मैंने ना एक रिया दीदी है उनसे स्कूल के पेपर लिए थे टेस्ट के। हाँ, तो मैंने बोला रिया दीदी, तो फिर उसने बोला हाँ हाँ उनके आईएलसी के पेपर भेज,
मैंने बोला मेरे पास आईएलसी के है ही नहीं, बोलता झूठ क्यों बोल रही है, मैंने बोला नहीं है, और फिर बोलता मैं सर को बोल रहा हूँ, सर फालतू बकवास करता है। सर मेरे साथ भी हुआ, वो स्वास्थ्य का दीदी हूँ, मेरी सोसाइटी में रहती है, तो मैंने उनसे बस स्कूल की, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पेपर लास्ट क्लास में जो हमने वो डिस्कस किया ना सरफेस एरिया की वर्कशीट, उसमें तो आंसर गलत थे, मतलब तुम लोगों ने गलत बताया थे और सबने कहा था हाँ यही आंसर है, तो फिर डिस्कस भी नहीं हुए वो। मान्य कौन सा क्वेश्चन था वो? सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 रेशियो वाला तुम बता रहे थे ना मुझे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 था ना वो? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 1:4 है सही आंसर, तुम लोगों ने 3:16 बताया था, अब सभी लोगों ने बताया था तो हमने वो डिस्कस ही नहीं किया था, ठीक है? तो 1:4 इज द करेक्ट आंसर, एक बार फिर से देख लेना, नहीं आया तो बताना। 17 अभी तुम 17 के लिए कह रही हो मान्या? सर वो 16 नहीं था, वो गलती से 17 याद। अच्छा, बाकी तो सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसमें ये वो वाला क्वेश्चन है, इसमें सिलेंडर और कोन है, उसके रेडियस का रेशियो दे रखा है और हाइट का रेशियो दे रखा है और वॉल्यूम का रेशियो पूछा गया है, ठीक है? तो रेडियस अगर r और 3r है, शायद ऐसा 1:3 है, और उसका आई थिंक हाइट का 3:4 है, कुछ ऐसा 3h और 4h ले लेंगे, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? ये सिलेंडर था ऊपर वाला, क्या ऊपर पहले सिलेंडर था ना ये? सर एक से चेक करना पड़ेगा, आई थिंक 4/3 है पहले सिलेंडर, अरे स्क्वायर और h हो जाएगा और नीचे कोन था, तो 1/3 पाई, 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर और h की जगह हो जाएगा 4h। तो देखो ये रेशियो क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, h कैंसिल, ये 3 और 9 कैंसिल और फिर 3 और 3 कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1:4 बचेगा, ठीक है? सब लोग टेक कर लेना उसको। चलो यहाँ से हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन बहुत है, जस्ट कीप इन माइंड एक थ्योरम है जो कि 10th में भी एक थ्योरम में यूज होगी, दैट्स ऑल, आगे कभी नहीं आना है, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, वी विल डू द फाउंडेशन टॉपिक्स फॉर एटलीस्ट 1 month, उसके बाद हम देखेंगे तुम्हारी क्या हालत है, कि पता चला कि एनसीईआरटी नहीं आती है, फाउंडेशन तो बहुत पढ़ लिया, उसके बाद सब स्कूल में डर गड़बड़ हो जाए, पेरेंट्स कहेंगे कि फाउंडेशन के लिए एडमिशन दिलाया था और ये तो स्कूल में ही फेल हो गए, वी डोंट वांट टू डू दैट। स्टिल 1 महीने का हम टाइम ले सकते हैं, तो उसके बाद काफ़ी टाइम बचेगा, तो बी सीरियस, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक लेंगे हम, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ बड़ा पढ़ना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है, ठीक है? सो इट्स नॉट फॉर योर स्कूल, इट्स नॉट फॉर द बोर्ड्स, इट्स फॉर योर नॉलेज, ठीक है? आरो थोड़ा सा और सिंसियरिटी दिखाना। दीपेश तुम्हारे क्या हाल चाल है, पूरी क्लास में तुमने कुछ बोला तो है नहीं, समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर, समझ में आ रहा है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।